गोल्डन वोट परवेज इलाही को बचा गया। इत्माद का वोट कामयाब करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला एमपीए कौन है? जिनकी कप्तान के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली की हंगामा खेज खबरें सियासत पर छाई हुई हैं। मामला तब ज्यादा गर्म हुआ जब पीटीआई की जानिब से मखसूस नशिस्त पर एमपीए बनने वाली मोमना वहीद और एमडब्ल्यूएम की एमपीए सैयदा जहरा नकवी ने परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया। पीटीआई के कुछ अरकान पहले ही बागी होकर परवेज इलाही के खिलाफ जाने का ऐलान कर चुके थे, मगर फिर एंट्री हुई आजाद रुकने पंजाब असेंबली चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच। जिनका वोट परवेज इलाही के लिए गोल्डन वोट साबित हुआ। चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच का ताल्लुक तोबा टैक्सिंग से है। दिलचस्प बात यह है कि बिलाल वड़ाइच 2018 के आम इंतखाबात में पीपी 118 में कांटेदार मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार चौधरी खालिद जावेद से हार गए। उन्होंने हुक्के के निशान पर इलेक्शन लड़ा और 28,285 वोट हासिल किए, मगर इसी हलके में ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा किस्मत आजमाई और आज़ाद हैसियत से लड़ते हुए 55,286 वोट लेकर पीटीआई के उम्मीदवार असद जमान को शिकस्त दी। असद जमान सिर्फ 50,097 वोट हासिल कर सके थे। वाज़े रहे कि ज़िमनी इंतखाब में बिलाल वड़ाइच को नून लीगी हलकों की फुल सपोर्ट हासिल रही, मगर बाद अज़ां जहांगीर तरीन का जादू चला और बिलाल वड़ाइच हुक्मरान जमात पीटीआई के करीब हो गए। यहां ये भी वाज़े रहे कि चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच अदालत में जाली डिग्री पर इलेक्शन लड़ने के इल्ज़ाम का सामना भी कर चुके हैं।